नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। धार और इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार सुबह एक साथ निगम इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल धार नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर डीके जैन इंदौर के राव क्षेत्र में भी रह चुके हैं और पूरा कार्यभार संभाले हुए थे और वर्तमान में वे अपने गृह क्षेत्र धार में ही पदस्थ हैं। दरअसल लोकायुक्त इंदौर को निगम इंजीनियर डीके जैन की बेनामी संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके शनिवार को धार स्थित दो घरों और इंदौर के स्कीम नंबर 78 स्थित डीके जैन के भाई के घर पर छापा मारा गया। इंदौर स्थित निवास से लोकायुक्त को प्रारंभिक पड़ताल में 44 तोला सोना और 1 किलो चांदी के साथ ही नकदी लेन देन के हिसाब का पेपर सहित अन्य जमीनों की रजिस्ट्री व दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त अधिकारियों को उम्मीद है कि निगम इंजीनियर की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा कार्रवाई के बाद हो सकता है। धार के नगरपालिका इंजीनियर और उनके भाई के घर पर लोकायुक्त कार्रवाई में दस्तावेज और नकदी और आभूषण बरामद तो हुए हैं। वहीं मूलतः धार निवासी डीके जैन के धार में स्थित दोनों घरों से आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। इसमें देवेंद्र जैन उपयंत्री और कर्मचारी दो और सहकारी संस्था के कर्मचारी, जांच में पाया गया कि देवेंद्र जैन के द्वारा कुछ ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है। इस पर से जांच की गई और जांच में दो पार्टियां भी धार में सापेक्ष कार्रवाई कर रही हैं। एक इनका घर यहां पे है, लोकेशन नंबर स्कीम में, इसमें सापेक्ष कार्रवाई गई, जिसमें 44 तोला सोना और करीबन 1 किलो चांदी जो है पाई गई और कई बेनामी रस्तियाँ पाई गई 9 रस्ते करीब, जिसकी जांच की जा रही है। इंदौर लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने बताया कि शिकायत में ज़मीन की खरीद फरोख्त सहित अन्य बातें सामने आई थी, जिसके लोकायुक्त पुलिस ने जांच कर पुष्टि की और फिर धार में दो टीम और इंदौर में एक टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस की माने तो निगम इंजीनियर के घर से करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिलने की उम्मीद है। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई सभी स्थानों पर जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।